सो आप लोग के काफी सारे कमेंट करने के बाद में फाइनली गाइस ग्रोनेरा 77 की वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल आ चुका है। एंड मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ, उनकी जो वीडियो एडिटिंग है वो गाइस पीसी में होती है एंड हमने सेम एडिटिंग को एंड्रॉइड में ट्राई किया है। सो थोड़ा बहुत डिफरेंस आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने उनके सभी इफेक्ट वगैरह कवर की है इस वाले वीडियो में। सो पहले आप लोग प्रीव्यू देख लो एक बार। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक काम करना है, बताओ। सो हमारे 25 के सब्सक्राइबर जस्ट होने ही वाले हैं, बस थोड़े से सब्सक्राइबर और चाहिए, तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना एंड जो लोग चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एडिट करने के लिए गाइस यहाँ पे हम दो एप्लीकेशन का यूज करेंगे, पहला है कैपकट एंड जो दूसरा एप्लीकेशन है वो गाइस एक वीपीएन है। आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, देन आप लोग को कर लेना है इसे ओपन एंड ओपन करने के बाद में कनेक्ट वाले बटन पे क्लिक करो एंड बैक आ जाओ। एंड अब गाइस आप लोग को कैपकट एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद में गाइस जो भी आप लोग का गेम प्ले है या मॉन्टेज उसको गाइस आप लोग को इधर लेके आना है। सो मैंने यहाँ पे गाइस आप लोग को दिखाने के लिए एक क्लिप को ऐड कर लिया है, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना अगर आप लोग को ज़्यादा क्लिप चाहिए तो। एंड इसके बाद में आप लोग वीडियो वाले बटन पे क्लिक करना एंड यहाँ पे गाइस नीचे आप लोग को फाइंड करना है एडजस्ट वाला ऑप्शन, देन आप लोग को आना है सैचुरेशन में एंड सैचुरेशन को गाइस आप लोग को कर लेना है 20। देन यहाँ पे शार्पन में आना है एंड शार्पन को गाइस आप लोग 10 कर लेना। इससे गाइस होता क्या है, क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है जब आप लोग बढ़ाओगे तो आप लोग को समझ में आएगा। सो यहाँ पे मैं 10 कर लेता हूँ एंड इसके बाद में गाइस आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को कर देना है डन। देन सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे स्लो मोशन की। सो स्लो मोशन डालने के लिए गाइस आप लोग को पहले फाइंड करना है आप लोग को कौन सी जगह पे डालना है। जैसे कि मैंने इधर जंप किया है तो इधर स्लो मोशन डालना काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, तो आप लोग को इस वीडियो पे क्लिक करना है देन स्प्लिट कर देना है, देन जहाँ तक आप लोग को चाहिए स्लो मोशन, जैसे कि इतनी जगह पे मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे स्प्लिट कर दूंगा एंड जो ये बीच का बचा हुआ है जिस पे हमें स्लो मोशन करना है उस पे आप लोग क्लिक करके जूम, मतलब पहले जूम कर लेना देन आप लोग उस पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे गाइस स्लो मोशन में आना है मतलब स्पीड वाले ऑप्शन में, देन नॉर्मल में आओ एंड इसको गाइस आप लोग को 0.1 करना है। देन यहाँ पे पिच का ऑप्शन मिलेगा, इसको सिलेक्ट कर लेना, देन मेक इट स्मूथर लिखा हुआ है उस पे गाइस क्लिक करके आप लोग को बेटर क्वालिटी करके डन कर देना है। एंड यहाँ पे गाइस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा सो आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो अब मैं गाइस आप लोग को दिखाता हूँ स्लो मोशन हमारा कैसा हुआ है। तो यहाँ पे गाइस आप लोगों ने देखा होगा स्लो मोशन का काम हमारा अभी आधा हो चुका है। अभी गाइस आप लोग को एक और जगह पे देना है, जैसे कि आप लोगों ने किल कर लिया है एंड उसके बाद में जहाँ पे आप लोगों ने ये जंप वगैरह किया है वहाँ पे गाइस हमें स्लो मोशन डालना है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। तो एंड में आ जाना है आप लोग को, देन वीडियो पे क्लिक करो एंड फिर से स्प्लिट कर दो, ठीक है। देन ये लेयर हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। अभी गाइस आप लोग को स्पीड में आना है, नॉर्मल में आओ एंड मैं 0.1 कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। अगर आप लोग को कम चाहिए तो आप लोग 0.3 रख सकते हो, मतलब 0.3 या 0.2। मैं यहाँ पे 0.1x रखूँगा। देन पिच वाले बटन पे आप लोग को जरूर से क्लिक करना है, देन मेक इट स्मूथर पे क्लिक करके बेटर क्वालिटी कर लेना, देन यहाँ पे भी आप लोग को डन करना है। सो अब गाइस एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ आप लोग को। एंड जहाँ पे आप लोगों ने स्लो मोशन किया है ना वहाँ पे ये जो साउंड है उसको गाइस आप लोग थोड़ा सा कम कर लेना। उसके लिए गाइस आप लोग इधर आना है वॉल्यूम में एंड जो साउंड है गाइस उसको थोड़ा सा कम कर लेना है। जैसे आप लोग को 100 रहता है तो आप लोग 50 के अराउंड कर लेना एंड इस वाली क्लिप में भी गाइस हम थोड़ा सा कम कर लेंगे वॉल्यूम को। सो अब गाइस आप लोग को करना क्या है, आप लोग को एक डिस्क्रिप्शन में मतलब एक पैक मिलेगा, उसमें जो भी मटेरियल यूज होंगे सभी मिल जाएंगे। सो मैं यहाँ पे आप लोग को एक बैकग्राउंड म्यूजिक दे दूंगा, सो सबसे पहले मैं लेके आ जाता हूँ। सो सॉन्ग ऐड करने के लिए गाइस आप लोग को ऐड ऑडियो पे जाके साउंड वाले बटन पे क्लिक करना है, देन जो भी आप लोग के डिवाइस में साउंड है उसको गाइस आप लोग को इधर फाइंड कर लेना है। सो मैं उस साउंड को लेके आ जाता हूँ। सो ये गाइस हमारा साउंड है, इसको गाइस आप लोग को पूरा यूज नहीं करना है। जैसे कि ये है यहाँ पे गाइस बीट है तो बीट के हिसाब से हमें क्लिप को मैच करना है।
तो अभी के लिए गाइस मैं इसको इतना मतलब काट देता हूँ, बाद में देख लेंगे अगर नहीं होगा मैच तो। तो अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग को कट कर लेना है, ठीक है। आप लोग का जो फायर होता है वहाँ पे गाइस इसको लगाना है ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। सो ये यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा हो चुका है, सो इसको थोड़ा सा और कट करेंगे देन हमारा पूरा एकदम मैच हो जाएगा। सो यहाँ पे गाइस हमारा जो सॉन्ग है वो गाइस हमारी क्लिप के हिसाब से मैच हो चुका है। अभी गाइस मैं आप लोग को प्ले करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक गाइस एकदम सही से लग चुका है। अभी गाइस जितना हमारा मतलब वीडियो क्लिप है उतना गाइस आप लोग को साउंड को रखना है, बाकी का जो साउंड है उसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट वीडियो में एक क्लिप काफ़ी होती है दिखाने के लिए, जैसे कि आप लोगों ने मतलब ब्रुनेरा का वीडियो देखा होगा। तो अब बात करते हैं फर्स्ट इफेक्ट की। सो पहला इफेक्ट है गाइस कलर चेंजिंग इफेक्ट। उसके लिए गाइस जहाँ पे आप लोग ने स्लो मोशन किया है वहाँ पे गाइस आप लोग को आना है, एंड यहाँ पे आने के बाद में गाइस आप लोग को आना है नीचे ये इफेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आओ। देन फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा वीडियो इफेक्ट का, इसमें जैसे ही गाइस आप लोग आओगे तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोग को सबसे ऊपर ट्रेंडिंग में इफेक्ट मिलेगा रैंडम वाला। एंड यहाँ पे अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो आप लोग इधर पार्टी में आ जाना, इधर मिल जाएगा। सो आप लोग कहीं से भी फाइंड कर लेना, ट्रेंडिंग में भी है, सो आप लोग इसको सेलेक्ट कर लो पहले तो। एंड इसके बाद में एडजस्ट पे आ जाओ। देन जो स्पीड है गाइस इसको आप लोग को करना है फुल, ताकि जो हमारे कलर हैं वो यहाँ पे थोड़े से जल्दी चेंज होंगे। एंड इसके बाद में जो फिल्टर है उसको गाइस आप लोग कितना भी रख सकते हो जितना आप लोग को सही लगे। तो मैं इसको गाइस रखूँगा मतलब 10 कर लेना आप लोग। देन इसके बाद में जो कलर का नीचे ऑप्शन मिल रहा है ना इसको फुल कर देना, देन हमारा काम हो चुका है। अभी गाइस जितनी जगह पे आप लोग ने स्लो मोशन किया है इसको गाइस आप लोग को बस वहीं तक रखना है। सो यहाँ तक है हमारा स्लो मोशन। सो गाइस मैं बाकी की जो आगे की तरफ जा रही है उसको कट कर दूंगा, देन आप लोग अब एक बार देख लो। सो जो फर्स्ट इफेक्ट है ब्रुनेरा का कलर चेंजिंग वो गाइस अभी कंप्लीट हो चुका है। एंड अब गाइस हमने यहाँ पे स्लो मोशन किया है तो यहाँ पे गाइस आप लोग को डालना है सीक इफेक्ट, ताकि यहाँ पे देखने में अच्छा लगता है। तो आप लोग को आना है इफेक्ट में, देन आप लोग को आना है वीडियो इफेक्ट में। एंड यहाँ पे गाइस आप लोग को करना क्या है, आप लोग को बेसिक में आना है पहले तो। देन यहाँ पे सीक का ऑप्शन मिलेगा, ये थर्ड नंबर आप लोग को मिल रहा है सीक का, इस पर गाइस आप लोग क्लिक कर दो। देन यहाँ पे सो अभी गाइस आप लोग को एडजस्ट पे क्लिक करना है। देन जो स्पीड है उसको गाइस आप लोग को रखना है 10, एंड इंटेंसिटी को भी गाइस आप लोग 10 कर लेना। सो यहाँ पे गाइस सीक इफेक्ट भी ऐड हो चुका है, एंड इसको गाइस आप लोग को जहाँ तक रखना है जहाँ तक आप लोग का स्लो मोशन है। सो मैंने यहाँ तक रखा है, अब आप लोग वीडियो को देखो। सो अब बात करते हैं गाइस ट्रांजिक्शन की। ट्रांजिक्शन आप लोग को कैसे ऐड करना है ब्रुनेरा 77 के जैसा, उसके लिए गाइस पहले आप लोग को मल्टीपल जो आप लोग की क्लिप्स रहती हैं उनको ऐड कर लेना है। देन आप लोग को करना क्या है, जैसे कि आप लोग की एक फर्स्ट क्लिप ये है एंड सेकंड क्लिप ये है, ठीक है। उसके बीच में गाइस आप लोग इधर एक वाइट का ये मतलब ऑप्शन मिलेगा, सो इस पर गाइस आप लोग को क्लिक करना है। देन आप लोग आ जाओगे ट्रांजेक्शन में, एंड यहाँ पे गाइस आप लोग को काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी यूनिक हैं। सो यहाँ पे गाइस आप लोग को आना है कैमरा में, एंड यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप लोग को एक ट्रांजेक्शन मिल जाएगा। सो इस पर गाइस आप लोग को क्लिक करना है, एंड जैसे गाइस आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो ऐड हो जाएगा। अभी गाइस आप लोग को ट्रांजेक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना है, उसके लिए यहाँ पे आप लोग को 0.5 सेकंड कर देना है एंड डन कर दो। ट्रांजेक्शन ऐड हो चुका है सेम लाइक ब्रुनेरा 77। सो यहाँ पे गाइस आप लोग एक बार देख लो। सो आई होप कि गाइस आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर से बताना आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।